हेलो फ्रेंड्स, अक्सर आपने देखा होगा कि जब भी कोई नवजात शिशु जन्म लेता है तो जन्म लेने के कुछ ही घंटों बाद उस नन्ही सी जान को जॉइंटिस यानी कि पीलिया की बीमारी हो जाती है, जिसकी वजह से कई लोगों की अब यह धारणा बन गई है कि जब भी बच्चा पैदा होता है तो उसे एक बार पीलिया तो होता ही है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि छोटे बच्चे का शरीर काफी ज्यादा नाजुक होता है जो इतनी बड़ी बीमारी को झेल नहीं पाता है। तो इसीलिए आइए जानते हैं इस वीडियो के द्वारा कि अगर नवजात शिशु में पीलिया यानी कि जॉइंटिस की बीमारी होती है तो वो किन कारणों की वजह से होती है और क्या क्या उसके बचाव हो सकते हैं। आइए जानते हैं पहले कि नवजात बच्चे के शरीर के अंदर सबसे पहले कौन से कारणों की वजह से पीलिया रोग प्रवेश करता है। बिलीरुबिन नामक एक तत्व होता है जिसे आप रक्त वहिका भी कह सकते हैं। ये बच्चों के शरीर के अंदर जैसे ही बढ़ती चली जाती है तो बच्चों के पूरे शरीर का रंग पीला हो जाता है और इसी की वजह से ना ही बच्चे की बॉडी के अंदर ब्लड सर्कुलेशन सही तरीके से हो पाता है और ना ही वो सही तरीके से सांस ले पाता है। आपने अक्सर देखा होगा और अगर आप माँ बनी है तो आपको ये बात पता भी होगी कि जब भी नवजात शिशु जन्म लेता है तो जन्म लेने के बाद वो तुरंत होता है। क्या आपने सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब भी बच्चा पेट के अंदर होता है तब तो वो रोता ही नहीं है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बच्चा पहली बार दुनिया के अंदर आता है और खुली हवा में सांस ले पाता है। पहली बार खुली हवा की सांस उसके फेफड़ों तक जाती है और इसी वजह से बच्चा रोना शुरू करता है। लेकिन अगर ब्लड सर्कुलेशन ही सही तरीके से ना हो और बिलीरुबिन नामक तत्व बच्चे के शरीर के अंदर बढ़ जाए तो पीलिया रोग बच्चे को हो जाता है। नवजात शिशु के अंदर पीलिया की बीमारी को कम करने के लिए फोटोथेरेपी नामक एक प्रक्रिया होती है। इस प्रक्रिया के अंदर नवजात शिशु को गर्म किरणों के अंदर रखा जाता है। ऐसा करने से ये प्रकाश नवजात शिशु के अंदर पीलिया के रोग को काफी हद तक कम कर देता है और इसके अंदर जो भी गंदे तत्व होते हैं उन्हें अच्छे तत्वों में परिवर्तित करके धीरे धीरे पीलिया का रोग कम होने लगता है। क्योंकि नवजात शिशु को हम कोई भी दवाई नहीं दे सकते हैं, क्योंकि बच्चे का शरीर कमजोर होता है और वो दवाइयों के असर को नहीं झेल सकता है, इसीलिए फोटोथेरेपी ही सबसे बेस्ट तरीका होती है। अगर आपके बच्चे को भी जन्म के साथ ही पीलिया रोग हो गया है तो आप भी अपने बच्चों को फोटोथेरेपी दिलवा सकते हैं ताकि वो जल्द से जल्द ठीक हो सके। इस वीडियो को देखिए और अपने व्यूज को हमारे साथ शेयर करिए। मेरी ब्यूटी और हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए YouTube पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।